Dear student, today our topic is factor affecting the stability of complexes. तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स की स्थायी यानी कि स्टेबिलिटी को बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, तो और कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड के कोऑर्डिनेशन से बनता है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सेंट्रल मेटल आयन और उससे बॉन्डेड लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी भी है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड की क्या करेगी, स्ट्रेंथ पर निर्भर करेगी। तो इसमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पर डिपेंड करेंगे और कुछ फैक्टर जो है नेचर ऑफ लिगेंड पर इफेक्ट करेंगे। तो ये एक चार्ट है जिसमें हम बता रहे हैं जो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पर जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, साइज एंड चार्ज ऑफ द मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड क्रिस्टल फील स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल। इसी प्रकार से हम लिगेंड के नेचर के बारे में बात करें तो लिगेंड के भी साइज और चार्ज एंड साइज फैक्टर प्रभावित करता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड प्रभावित करता है, कीलेट इफेक्ट, नंबर ऑफ कीलेट रिंग, साइज ऑफ कीलेट रिंग, स्टेरिक इफेक्ट, टेम्पलेट इफेक्ट, पाई बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। और इसके अलावा जो मिसलेनियस फैक्टर होते हैं, एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस पीएच, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर, नेचर ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये तो हमने एक सिंपल एक चार्ट के रूप में कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को मेटल और लिगेंड के जो फैक्टर हैं वो किस प्रकार से इफेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम जो मेटल आयन को जो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के जो फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो साइज एंड चार्ज ऑफ द मेटल। साइज एंड चार्ज ऑफ द मेटल को समझने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं जैसे मेटल आयन का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, जितना साइज़ जो है छोटा होगा और चार्ज जो ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको हम एक आयनिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ आयनिक पोटेंशियल के बारे में हम बताएंगे। तो आयनिक पोटेंशियल इज़ व्हाट, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन और अपॉन रेडियस या साइज ऑफ मेटल आयन। तो आयनिक पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन और साइज। तो इसको हम इस एग्जांपल से भी हम इनको बता सकते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी ग्रुप में जैसे हम नीचे ऊपर से ओवर अपर से लोअर साइड की हम जाते हैं तो हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती जाती है, अतः कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है क्यों बढ़ रही है, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स मेटल पे चार्ज जो है बढ़ता जा रहा है। इसको हम जो है एक टेबल के फॉर्म में अपन इसको डिस्कस करेंगे। इस टेबल में हमने जो ले लिए हैं आयरन और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स लिए हैं और दोनों की प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक दोनों के जो अपन ने कॉम्प्लेक्स लिए हैं आयरन का साइनाइड के साथ हेक्सासाइनो आयरन 3- और हेक्सासाइनो आयरन 4-। तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन तो क्या है, आयरन है। इसमें जो साइनाइड जिसमें 6 मॉलिक्यूल 3-3 नेगेटिव चार्ज है उसमें आयरन की ऑक्सीजन ए स्टेट जो है वो प्लस थ्री है, मीन्स आयरन पर जो चार्ज कितना है प्लस थ्री है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में आयरन पर जो चार्ज कितना है प्लस टू, फेरिक और फेरिक। इनमें जो है साइज़ लगभग क्या है, दोनों के सेम है, परंतु जो हम देख रहे हैं बीटा की वैल्यू लॉग के या लॉग बीटा, बीटा इज़ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन के कॉम्प्लेक्स में तो वो 31.0 है और प्लस टू में 8.3। इसी प्रकार से कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, इसमें एक में कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। साइज़ हम कह रहे हैं कि दोनों के लगभग क्या हैं, बराबर हैं। तो इसमें भी वैल्यू जो होती है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो है ज़्यादा है और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कम है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी।
ठीक है, ये अपन ने इन टेबल से डिस्कस किया। तो इसी प्रकार से हम ये देखें कि जैसे हम देख रहे हैं कि आयरन जो फेरिक का जो फेरिक आयन के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू फेरस आयन के, इसी प्रकार से क्यूप्रस के कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू क्यूप्र। अतः मेटल आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होगी। अब दूसरा जो पार्ट है वो है साइज। अब साइज में हम देखें कि साइज में हम देख रहे हैं कि सेकेंड ये ग्रुप के मेटल जिन पर चार्ज तो लगभग सेम है परंतु साइज उनके क्या है अलग अलग है। तो स्टेबिलिटी किस पर क्या कर रही है, स्टेबिलिटी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो साइज क्या होगा कम होगा। तो मेटल आयन का जब साइज कम होगा तो कॉम्प्लेक्स की क्या होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको भी हम इस टेबल से अपन जो नेक्स्ट टेबल से अपन डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज में कमी आती है, पीरियड में ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ने में कॉम्प्लेक्स मेटल आयन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज में कमी आती होती है और ये हम देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी बढ़ेगी। या हमने ये जो ग्रुप के ग्रुप 1, 2 एंड 13 की बात कर रहे हैं, इनमें अपन ने लिया लिथियम, ये सारे मेटल आयन हैं। इसमें लगभग जब इनके जो लीगेंड सेम होंगे, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, इसमें हम देखें तो लिथियम जो है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है और बेरिलियम प्लस टू और एल्युमिनियम प्लस थ्री। तो साइज़ सबसे कम किसका है, लिथियम का है। सबसे ज़्यादा बड़ा साइज इसमें किसका है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू लिथियम के। तो ये भी एक फैक्टर है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जो नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज़ क्या है कॉम्प्लेक्स की, अगेन हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है मेटल और लिगेंड के कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, जिसमें मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करती है। मीन्स मेटल क्या करेगा कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो मेटल हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो मेटल की एक्सेप्टर प्रॉपर्टी को भी बहुत सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज ऑफ द मेटल आयन। तो इसको जो है इस प्रॉपर्टी के आधार पर, मेटल की एक्सेप्टर प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल को भी एलन और चैट ने मेटल की इस प्रॉपर्टी के आधार को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लास ए मेटल आयन, क्लास बी मेटल आयन एंड बॉर्डर लाइन मेटल आयन। अब क्लास ए मेटल आयन क्या है, क्लास ए मेटल आयन जो है वे मेटल आयन जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ जो है बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्कैंडियम से क्रोमियम, एल्युमिनियम से क्लोराइड और जिंक से ब्रोमाइड। ये सारे जो मेटल होते हैं इनमें डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण जो लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देता है इन मेटल आयन को और ये एक्सेप्ट ईजिली कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्लास बी मेटल आयन। क्लास बी मेटल आयन कौन से मेटल आयन होते हैं, ये वे मेटल आयन होते हैं जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इन मेटल में क्या होता है कि डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना लगभग भरे होते हैं। तो क्लास ए मेटल आयन में डी ऑर्बिटल्स क्या हैं, खाली हैं, और इसमें डी ऑर्बिटल्स जो लगभग क्या हैं, पूर्णतः भरे होते हैं। ट्रांजिशन सीरीज की हम देखें तो जो बाद वाले जो मेटल्स होते हैं जो लगभग भरे हुए डी ऑर्बिटल्स के होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के क्या होते हैं, बहुत कम डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसलिए ट्रांजिशन सीरीज के जो अंत जो बाद वाली जो मेटल होती है वो इस प्रकार के मेटल क्लास बी मेटल आयन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्करी। तो क्लास ए और क्लास बी मेटल आयन ये जस्ट एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, बिल्कुल अपोजिट्स होंगे। और बॉर्डर लाइन जो मेटल आयन होते हैं ये क्या करेंगे, दोनों के बीच की बात हो गई और ये दोनों ही क्लास ए और क्लास बी मेटल आयन की तरह से ही, दोनों की तरह से ये बिहेव करते हैं। अब क्लास ए मेटल आयन ये क्या करेंगे,
बुक में ये जी अपन देख रहेंगे कि एक मेटल क्लास ए के मेटल की सीरीज़ जो लीगेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, क्लास बी मेटल की सीरीज जो हमने दे रखी है। अब क्लास ए की जो मेटल होते हैं वे फ्लोराइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो क्लास ए के जो मेटल आयन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और इनमें क्या होती है, डी ऑर्बिटल वेकेंट होती है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल वेकेंट होने के कारण इस प्रकार के क्लास ए मेटल में वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करते हैं कि जो है आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रैंड करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को? पी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड और ऑक्सीजन, फ्लोराइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस प्रकार के जो लिगेंड के साथ क्लास ए मेटल आयन जो है बहुत इजीली बॉन्ड या स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मींस इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। अब व्हाट इज़ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग? पी दोनों में फ्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या है, पी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के मेटल के साथ जिनके साथ इनका जो है कॉम्बिनेशन होगा तो इनमें क्या होगा कि ये लिगेंड से मेटल पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। पी पाई डी पाई बॉन्ड जो कब फॉर्म हो रहा है, जब पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, अब पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और ये डोनेशन कैसा होगा, पी ऑर्बिटल सबने को पता ही है पी एक्स पी वाई और पी जेड होते हैं, तो इनमें एक पी ऑर्बिटल वो तो आपका कैसा बना रहा है जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दो क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो ये जो है पी ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है डी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स में, तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो ये इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम कहते हैं लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्ड कहते हैं। इससे भी कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार से क्लास बी मेटल आयन में, अब क्लास बी मेटल आयन में डी इलेक्ट्रॉन तो पाए जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस सल्फर क्लोराइड के साथ जो है इनके साथ स्थाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनमें क्या है, डी ऑर्बिटल भी आ गई, तो इसमें डी पाई और पी डी पाई बॉन्ड, एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल में जब जाएगा तो डी डी ट्रांजिशन या डी पाई बॉन्ड भी हम इसको कहते हैं। इनमें भी क्या हो रहा है कि जो मेटल आयन है लिगेंड के, जो मेटल आयन है लिगेंड के मेटल आयन है, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग हो रही है, अर्थात डी पाई या डी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती है। इनमें जो है जो मेटल के जो डी पाई बॉन्डिंग में ये फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन के साथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के हाई जो होते हैं ना हाई पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच में बनता है। और इनमें भी क्या होता है, ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध होने के कारण इन मेटल में मेटल आयन में डी ऑर्बिटल लिगेंड के खाली डी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। तो इसमें मेटल टू लिगेंड जो होता है डोनेशन हो रहा है, और क्लास ए वाले मेटल आयन में लिगेंड टू मेटल डोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के बॉन्डिंग को डी पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो दोनों ही जो बातें, व्हाट इज़ पी पाई डी पाई बॉन्ड, व्हाट इज़ डी पाई बॉन्ड, ये कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसको अपने को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। अपन इसी में जो मेटल के जो फैक्टर है अपन इसको ही डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी अपन ने जो डिस्कस किया, साइज ऑफ द मेटल आयन, चार्ज ऑफ द मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो साइज ऑफ द मेटल आयन हमने देखा कि साइज यदि जो कम होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार से यदि साइज जो चार्ज ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज़ है वो भी मेटल की जो है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से ये और भी फैक्टर है, उसको अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको